channel, myself Prajapati Kamlesh, your subject in Hindi. और आज हम पढ़ेंगे हिंदी में चैप्टर नंबर 1 और उसका नाम है चित्र के संग संग। ये एक चित्र पाठ है जिसमें चित्र दे रखा है और चित्र को देख के हमें पूरे पाठ को समझना है। जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हो कि पॉइंट पर से स्टोरी बनाना, ठीक वैसे ही आज हम चित्र पर से स्टोरी बनाना सीखेंगे। आपने देखा होगा कि पुरातन ज़माने में जो पाषाण युग था, जिसको हम स्टोन युग कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं, उस समय में जो पुरातन विभाग वालों को जो भी चित्र मिले हैं उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले के लोगों का जीवन यापन कैसा था और अभी उसमें क्या बदलाव आया है, वो भी हमने अंदाजा लगाया है। ठीक ऐसे ही आपके पाठ्यपुस्तक में चित्र के संग संग इसी उद्देश्य की वजह से रखा गया है कि आप इस चित्र को देख कर क्या समझते हैं, कैसे कहानियाँ बनाते हैं। जैसे कि बड़े बड़े ऑफिसर जो होते हैं, PI होते हैं, PSI होते हैं, अगर उनको कोई सुराग चाहिए तो चित्र के हिसाब से भी अगर उनको चित्र रख दिया जाए तो सुराग बना सकते हैं कि इन्होंने पहले ये काम किया होगा, फिर उसके बाद ये काम किया होगा। इस तरह से बहुत सारे वो काम को अंजाम देते हुए वो सुराग तक पहुँच के कातिल या गुनहगार तक पहुँचा जा सकता है। ठीक वैसे ही आप इस चित्र को देख के समझ पा रहे हो कि आखिर में इस चित्र में बताया क्या गया है। इसमें आपने सबसे पहले देखा होगा कि एक साइकिल वाला अपनी साइकिल में हवा भर रहा है। साइकिल वाला साइकिल में हवा कब भरेगा, जब उसकी साइकिल में हवा नहीं होगी तब। क्यों? क्योंकि उसका टायर पंचर हो सकता है या तो फिर उसकी रिंग भी खराब हो सकती है, जिस वजह से वो साइकिल में हवा भर रहा है। उसके पीछे की साइड में एक कुंजड़ीन है जिसको हम इंग्लिश में वेजिटेबल सेलर कहते हैं, और जो वेजिटेबल सेलर है ये कहीं पर भी गली मोहल्ले या बाजार में जाकर अपनी सब्जियों को बेच सकती है। ये माथे पे टोकरी रख कर और कहाँ पर जा रही है, बाजार में जा रही है। और उसके जस्ट राइट हैंड में एक और इंसान खड़ा है जो गुब्बारे वाला है, वो भी एक गुब्बारा सेलर है जो अपने गुब्बारे को बेचने के लिए बाजार में जा रहा है। जस्ट उसके नीचे एक पॉपुलर बैठा है जिसको हम हिंदी में मोची कहते हैं। उसके साइड में एक कुत्ता बैठा है जिसको हम हिंदी में डॉग, हिंदी में कुत्ता या स्वान कहेंगे और इंग्लिश में उसको डॉग कहेंगे। ये निराशा रूप से बैठा हुआ है। देखो उसका मुँह किस तरह से लटका हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसको कहीं खाना ना मिला। जस्ट हम इस रोड से, इस किनारे से होते हुए अगर हम रोड की साइड में देखें तो रोड की साइड में क्या दिखाई दे रहा है कि एक बाइक वाला अपने एक हाथ से पीछे के मिरर को संभाल रहा है और वो पीछे के आने वाले वाहन को देख रहा है। और जस्ट उसके बाजू में एक पैसेंजर बैठा हुआ रिक्शे वाला जो है अपने रिक्शे को ले जा रहा है। रिक्शा वाला एक पैसेंजर को बिठा के क्यों जा रहा है, क्यों उसको कोरोना हो जाएगा इसलिए नहीं, हो सकता उसने स्पेशल रिक्शा किया हो, मीटर भाड़ा दिया हो, या फिर जिस पैसेंजर को जहाँ जाना है वहाँ पे दूसरे पैसेंजर को ना जाना। उसके जस्ट बाजू में देखो पीछे की साइड में दो कार वाले हैं, वो आपकी नज़र देख, आप देखिए रोड के उस साइड देखेंगे आप, एक सोसाइटीज है जिसमें पानी की टाँटी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ऊपर बादल है और पक्षी उड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ पे कुंजरिन खड़ी है वहाँ पर भी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के पीछे दो इंसान बालकनी में खड़े हुए बाजार में देख रहे हैं। साइकिल की दुकान पे जहाँ पे साइकिल वाला हवा भर रहा है उसके ऊपर एक लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर एक तोता बैठा हुआ है। ये पूरा चित्र बता रहा है, तो जिससे हम समझ सकते हैं कि बड़ा साधारण चित्र है। लेकिन अब इस चित्र में कुछ क्लू आ जाता है कि अचानक ये चित्र बिखर जाता है। चलो बच्चों, ये चित्र को देख के आपको मैंने सारी स्टोरी सुना दी है। जस्ट उसके नीचे कुछ सवाल दे रखे हैं, उन सवालों में देखिए कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं दे रखी है। तो आपको जो मैंने स्टोरी बताई वो सारी क्रियाएं आपको लिख देनी है। फिर उसके बाद दूसरा है गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली हवा में क्यों उड़ेंगे, क्योंकि उसमें गैस भरी हो सकती है। ट्यूब, तीसरा है ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। तो आपके नज़र में अगर आप देखा जाए तो आप भी साइकिल चलाते होंगे, आप हवा कब भरोगे, आप अपने हिसाब से आपको आंसर देना है। हवा तब भरी जाती है जब टायर में हवा कम हो और हमारी रिंग खराब ना हो जाए या हमारा टायर ट्यूब खराब ना हो जाए, जिस वजह से हम हवा भरते हैं। फिर चौथा जो क्वेश्चन है, चित्र में कुत्ता मुँह लटका कर क्यों लेट गया, क्योंकि उसे कहीं खाना नहीं मिला होगा जिस वजह से वो थक कर एक जगह जाकर बैठ गया। फिर पांचवा क्वेश्चन है कुंजड़ी जो सब्जी बेचने वाली वो कहाँ कहाँ जा सकती है,
तो मैंने पहले भी चित्र को स्टार्ट में बता दिया था कि वो गली मोहल्ले घर घर में जाकर अपनी सब्जियों को बेच सकती है। और छठा है, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है, ये भी मैंने आपको बताया था। हो सकता है उसने पैसेंजर स्पेशल रिक्शा किया हो, मीटर भाड़ा उसने दिया हो, या कभी तो ये भी हो सकता है कि सामने वाले को जहाँ पे उस पैसेंजर को जाना हो वहाँ पे नहीं जाना हो, जिस वजह से वो एक रिक्शा वाला एक पैसेंजर को बिठा के रखा है। चलो जल्दी से हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट में, उसी चैप्टर के दूसरे चित्र में। चलो दूसरे चित्र में देखो क्या बताया कि अचानक जो साइकिल वाला जो है वो हवा भर रहा था और अचानक वो नीचे गिर गया, गुब्बारे वाले के सारे गुब्बारे उड़ गए और सब्जी वाले की सारी सब्जी की टोकरी गिर पड़ी, तोता भी अचानक उड़ गया, कुत्ता भी भाग गया और जो मूंछी जो बैठा हुआ था उसके भी सारे के सारे जितने भी औजार थे वो सड़क पर आके गिर गए। और सामने सड़क पर देखा जाए तो एक बाइक वाला जो था वो साधारण रूप से अपनी गाड़ी को ले जा रहा था, अचानक ही रिक्शे वाले ने बाइक वाले को टक्कर मार दी, मतलब एक्सीडेंट हो गया। तो ये आखिर क्या हुआ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इस तरह से घटना बनी होगी कि शायद साइकिल वाले ने साइकिल में ज़्यादा हवा भर दी और साइकिल का पहिया वो फट गया और जिस वजह से उसकी आवाज़ सुनकर रिक्शे वाले का ध्यान हटा और जिस वजह से उसने बाइक वाले को टक्कर मार दी। और यहाँ पे जैसे ही साइकिल का पहिया फटा तो साइकिल गिर पड़ी और पंप भी गिरा, जिस वजह से साइकिल भरने वाला व्यक्ति वो नीचे गिर गया और उसकी साइकिल गिरने की वजह से कोबलर को जब वो लगा, मोची को जब लगा, तब उसके पांव सीधे होने की वजह से सारे औजार उसने रोड पर बिखरा दिए। और जब आवाज़ ज़ोर से आई तो ऑब्वियसली जब आवाज़ ज़ोर से आएगी तो सभी इंसान देखेगा कि अचानक क्या हुआ, तो जिस वजह से कुत्ता भी भौंकते हुए वहाँ से भाग गया और तोता जो वहाँ पर बैठा हुआ था वो भी उड़ गया। और ये इन कारणों की वजह से जो गुब्बारे वाला था उसको भी मोची का धक्का लगने से उसके गुब्बारे सारे उड़ गए और उसका धक्का जो वेजिटेबल जो बेच रही थी औरत कुंजड़ी उसको भी लगा तो उसकी सब्जी की सारी टोकरी नीचे गिर पड़ी। और जिस बालकनी में दो व्यक्ति थे उसके बदले में तीन व्यक्ति आ चुके, वो भी देखने लगे कि आखिर अचानक क्या हुआ। तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे टायर फटने पर क्या क्या हुआ, तो जो मैंने आपको बताया वो सारी घटनाएं हुई। फिर दूसरा क्वेश्चन है टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो ऑब्वियसली कि हम छोटे बच्चे ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि जैसे पॉलीथीन मिलती है, पॉलीथीन में हवा भर देते फिर जोर से फोड़ते, एक तो वो चीज़ होगी फोड़ने वाली चीज़, और दूसरा दीपावली के दिन हम पटाखे फोड़ते हैं, है ना, एक वो पटाखे वाली हो गई। फिर फुटबॉल है, गेंद है, ये भी फूट जाती है, राइट, और गुब्बारे जो होते हैं वो भी हम मुँह से फुलाते तो वो भी फूट जाते हैं। ये सारी चीज़ें फूटने वाली है, ठीक है। टायर के अलावा की बात कही गई तो ये सारे आंसर आप लिख सकते हैं। तीसरा, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया, तो क्यों टकराया, क्योंकि बाइक वाले ने क्या किया, अपनी साइड लाइट को चेक किया और जैसे चेक किया तो उसका ध्यान आगे की तरफ नहीं गया और रिक्शा वाला शांति से जा रहा था, जैसे भड़ाका हुआ तो वैसे उसने रिक्शे वाले ने सामने की तरफ देखा तो उसके सामने जो बाइक वाला जो था वो उसे दिखाई नहीं दिया, जिस वजह से उसने बाइक वाले को टक्कर मारी। और टक्कर मारने के बाद जैसे उसने ब्रेक लगाई कि पीछे बैठा पैसेंजर वो भी गिरने से बच गया। तो ऐसी रोड पर हर रोज ऐसी घटनाएं हुआ करती है, तो बी केयरफुली, आप भी अगर कभी कोई भी साधन लेके जाएं तो बी केयरफुली, साइड में क्या होता है इसे साइड सीन समझ के भूल जाइए, लेकिन अपने आपके वाहन को सबसे पहले सुरक्षित रखिएगा। फिर दूसरा कि देखिए उसमें ऐसा भी लिखा है कि टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा, तो ऑब्वियसली एक तो तोता जो बैठा था वो तो आकाश में उड़ गया, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। कुत्ता, उसकी सिर्फ नींद टूटी है और वो अपने हिसाब से भौंकते हुए चला गया, उसका भी कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस बालकनी में दो व्यक्ति थे वहाँ पे तीन व्यक्ति हो गए, वो भी बाहर की तरफ देख रहे, उसका भी नुकसान नहीं हुआ। तो मित्रों, फ्रेंड हो, मेरे स्टूडेंट हो, तो आप जान सकते हो कि कितने लोगों का नुकसान हुआ। एक तो साइकिल वाले का टायर फट गया, वो पहला नुकसान। दूसरा, सब्जी वाले की सब्जी फैल गई, उसकी पूरी सब्जी मिट्टी वाली हो गई, वो दूसरा नुकसान। गुब्बारे वाले के सारे गुब्बारे उड़ गए, वो तीसरा नुकसान। और मोची का सारे औजार सड़क पर बिखर गए, वो भी एक उसका नुकसान हो गया है। और बाइक वाले का तो नुकसान हो ही चुका है, साथ में रिक्शे वाले की हेडलाइट टूट गई, वो भी नुकसान हो चुका है। और जो पैसेंजर बैठा था उसको सही समय पर जहाँ जाना था उसके लिए भी वो लेट हुआ, उसका भी नुकसान हो चुका है। तो समझे इस चैप्टर में क्या समझाया गया है। आपने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होगी, तो मित्रों मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूँगा कि आपके सोसाइटी मोहल्ले या मार्केट में कौन कौन सी घटनाएं घटते हुए आपने देखी है वो ऑब्जर्व करिए और फिर जब भी लाइव लेक्चर हम लें तब आप उनसे बात कर सकते हैं।
ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप YouTube में देखिए, ऑनलाइन में जुड़े रहिए और ऑनलाइन से आप लेक्चर लेते रहिए। और हमसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ऑनलाइन में ही बात कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन मिसिंग हो जाता है तो आपके लिए YouTube बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। आप YouTube में अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसकी PDF हम आपको सही समय पर भेज देंगे, आप उसमें भी देखिएगा। और वर्कबुक की PDF आप वर्कबुक में लिखिएगा, नोटबुक की PDF नोटबुक में लिखिएगा, ठीक है। Thank you.